अवचेतन मन और मोशन सिकनेस, मतलब यात्रा में जिनको मछलाहट होती है, उल्टी होती है, उसके बारे में आज हम बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। देखो, हमारा चेतन मन जो है ना, वो चेतन मन एक द्वारपाल के तरफ है, उसके तरह है। द्वारपाल, सिक्योरिटी गार्ड, अंदर क्या जाने देना अवचेतन मन में और क्या नहीं जाने देना वो उसके ऊपर है। अवचेतन मन को तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है, क्या सोचना क्या नहीं सोचना, किसके ऊपर विश्वास रखना किसके ऊपर विश्वास नहीं रखना, ये उसको समझ में नहीं आता। उसके अंदर जो डाला वो वहीं पक्का जाके बैठ जाता है। तो अभी अंदर क्या डालना, ये चेतन मन के ऊपर है, क्या जाने देना वो चेतन मन के ऊपर है। आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। हम यहाँ से नागपुर जाने वाले थे, साथ में तीन चार लोग थे हमारे साथ में, और एक जो लेडी हमारे साथ में थी सहयात्री, तो उनको सफर जब करते यात्रा कार में, तो उनको मोशन सिकनेस आता, मतलब उल्टियाँ होती थी हरदम, और स्पेशली जब घाट में जाते हैं, घाट प्रारंभ जो होता है तब ज़्यादा ही होता था, उनको उल्टियाँ करते थे, झुकाना पड़ता था। मैंने उनको एक ही चालू होने के पहले एक शर्त बोली, मैंने देखो आपको उल्टियाँ होती है और घाट में तो होती है, अभी अपने सफर में अभी घाट तो आने वाला है और घाट में आपको उल्टियाँ होंगी, हमारे पास में वक्त बिल्कुल कम है, 4 घंटे में हमको नागपुर पहुँचना है। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे उल्टियाँ होंगी और मैं मतलब गाड़ी रुकाना पड़ेगा और उल्टियाँ से उल्टियाँ करूँगी तो फिर उसमें टाइम जाएगा, तो मैं आपको माफ़ करो, मैं आपको हमारे गाड़ी में लेता नहीं, वो अलग गाड़ी से आई, क्योंकि वो अपने को 4 घंटे में कोई भारत में जाने का है। तो अभी आप उतर जाइए, और नहीं तो गाड़ी में बैठे तो आप ये पक्का समझ कर कि आपको उल्टियाँ नहीं होंगी, कोई भी हालत में उल्टी नहीं होंगी, या आप मन में पक्का कर लो। और उल्टी नहीं होंगी, आप ऐसा बोल देंगे खुद को कि मुझे उल्टी नहीं होंगी, तो आपको उल्टी नहीं होंगी। बोला ऐसा कैसा संभव है, मतलब आप देखो करके ट्राई, कोशिश करो, आप गाड़ी में बैठो और बोलो खुद को कि मैं आज उल्टी नहीं करूंगी, घाट कितना भी रहे, कुछ भी सफर रहे, तो मुझे उल्टी नहीं होगी, और आप बैठो गाड़ी में। मगर शर्त यह है कि आप बैठ रही है, उल्टी होगी तो मैं गाड़ी से उतार दूंगा आपको, ये पक्का है, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं है, गाड़ी मेरी है, गाड़ी में आप सहयात्री है, आप मुझे कॉन्ट्रीब्यूट करने वाले नहीं हो, कॉन्ट्रीब्यूशन से हम जाने वाले नहीं है, मैं मेरा पूरा खर्चा करके जा रहा हूँ, आप मैं जा रहा हूँ करके आप मेरे साथ में हैं, मैं आपको उतार दूंगा एकदम क्लियर कट कि मुझे 4 घंटे में पहुँचना ही है। ऐसा इतना स्ट्रांग सजेशन मैंने उनको दिया, वो सीधा चेतन मन से उनके अवचेतन मन में गए, और पूरा हमारा सफर हो गया, यात्रा हो गई, उनको उल्टी बिल्कुल ही हुई नहीं, और उनका हरदम के लिए जो मोशन सिकनेस था वो निकल गया। मतलब उनका कितने साल से था मोशन सिकनेस के लिए, वो गोलियां लेती थी, फिर मोशन सिकनेस होता मतलब उल्टियां होती भाई सफर में, तो बस से कभी प्रवास नहीं करना, कार से कभी सफर नहीं करने का है, सिर्फ ट्रेन में से जाने का है, और मतलब उनको इतना प्रॉब्लम सालों से था। एक सुझाव मैंने स्ट्रांग सजेशन दिया कि मैं आपको गाड़ी से उतार दूंगा और आपको लेके नहीं जाऊंगा, इतना क्लियर कट सीधा बोलने के बाद में वो चेतन मन से इतना स्ट्रांग अवचेतन मन में गया और वहां से उल्टी हुई नहीं। तो ये ताकत सुझाव की है कि आप बाहरी सुझाव कितना स्ट्रांग देते हैं और चेतन मन उसको उसने अलाउ किया और अवचेतन मन में गया कि मुझे उल्टी होने वाली नहीं है, ये तो मुझे गाड़ी से उतार देंगे, तो उनको उल्टी हुई नहीं और वहां से उनका प्रॉब्लम ही निकल गया। तो मोशन सिकनेस का जो प्रॉब्लम है ज्यादातर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और यदि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में पक्का बैठा हुआ है कि मुझे सफर करते हैं तो उसमें उल्टियां होती है, चक्कर आती है और उल्टियां होती है, तो फिर वो होती है। और कितनी सारी लेडीज लोगों में ज़्यादा होता है मोशन सिकनेस, तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम निकल सकता है यदि स्ट्रांग सूचना देते हैं, और स्ट्रांग सूचना दे के अवचेतन मन में वो जाके बैठ जाता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।